अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके हमारे अपने चैनल SKM 91 न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मैं सोच रही थी अपनी गाड़ी बेच दूँ, अब ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन अब मेट्रो आ रही ना ऑल सिटी में, क्या जरूरत है कार की। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सैयदा रहीमा अहमद, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो एंड तक जरूर देखिए। मेट्रो से याद आया, कॉन्ट्रैक्टर से भी बात हो गई मेरी। अरे घर मॉडिफिकेशन कराना है, अब तो सुकून की जिंदगी होने वाली है, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं। कहीं को खजाना निकला क्या? खजाना नहीं निकला भाई, रहने को 2 BHK दे दे रही, ऊपर से राशन कार्ड भी आ जा रहा, घर का पूरा राशन आ जाता, कारोबार लगाने को पैसे देने से वो अलग, ग्रेजुएशन के बाद अगर जॉब नहीं भी मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट वेज देते बोल के बोल रही, बस ऐश करना है बैठ के अब तो खाली। कब तक होता है ये? एक अंदर की बात बोलूं तो ये कभी नहीं होने वाला है, आपको भी मालूम है मेरे को भी मालूम, लेकिन मैं तुम्हारे कानों को खुश करूं तो मेरे कानों को खुश करो कि ही तो सरकार चलती आ रही है हमारे यहाँ पे। अरे वो सब जान दो, अब तो आदत हो गई है सब चीजों की, बट जस्ट नाउ आई रियलाइज वन थिंग, अपना एरिया चांद से भी ज्यादा दूर है। वो कैसा? देखो इतने सालों की कोशिश के बाद इंडिया चांद पे तो पहुंच गया, लेकिन इतने सालों से हमारे एरिया में पीने का पानी नहीं पहुंचा ना आज तक। बात में पॉइंट तो है। एक बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई, ये नो पार्किंग में गाड़ी पार्क रही तो फौरन उठा के लेकर जाते, ये GHMC वालों को जगह जगह पड़े हुआ कचरा ना दिख रहा वो कब नहीं उठाते? जरा अलग है जी, जरा समझो। सॉरी याद आया, अरे कचरा नहीं तो जमीन कैसा कब्जा होंगी, सॉरी सॉरी। आज मेरे को हमारे एरिया में थोड़े जाने पहचाने से लोग दिखे, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ देखी, फिर दिमाग में जोर डाली तो याद आया कि इन लोगों को मैं 5 साल पहले देखी थी इलेक्शन के टाइम पे। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं, आपके एरियाज में भी ऐसे जाने पहचाने से अजनबी टाइप के लोग आ रहे होंगे, है ना? देखो पता था मुझे इन लोगों का ऐसी छे, हर 5 साल में आते शक्ल दिखाते उसके बाद गायब हो जाते। 5 साल तक आवाम को क्या तकलीफ है, उसको किस चीज की जरूरत है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन के दौरान तो हम आपके साथ है हम आपके साथ है बोलते, फिर उसके बाद इलेक्शन खत्म होते हम आपके कौन बोल के चलाते ना। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ किसको वोट करना है किसको नहीं करना है, वोट जरूर करो, अपने हक का सही इस्तेमाल करो, लेकिन जब इस बार वो आपसे वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछो कि आपने इतने सालों में हमारे लिए क्या किया। इस बार लोकतंत्र की पावर दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करिए, लेकिन उन कैंडिडेट्स को वोट करिए जो 5 साल आपके दरमियान रह के आपकी हर परेशानी में आपकी मदद करें और आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दें, ना कि वो जो जीतते ही गायब हो जाए। तेलंगाना की आवाम ने बहुत सारी पार्टीज को बार बार मौका दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत कंफर्टेबल हो गए अपनी कुर्सियों पे, हर बात से बेनियाज अपने आप को जमीनी खुदा समझने लगे हैं। इस बार इनका यह गुरूर तोड़ना बहुत जरूरी है, इस बार ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करिए, लेकिन नए पार्टीज को और नए कैंडिडेट्स को मौका जरूर दीजिए, ताकि सबको ये पता चल जाए कि ये इलेक्शन है सिलेक्शन नहीं, यहाँ जीतेगा वही जो आवाम का काम करेगा, सिर्फ जज्बाती भाषणबाजी से कुछ नहीं होता। सो प्लीज नए पार्टीज को और नए कैंडिडेट्स को एक फेयर चांस जरूर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना जरूरी है। नहीं नहीं आपके लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि जब इस वीडियो का पार्ट टू आएगा, मतलब हाजिरी देके आने के बाद, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मैं किस बात की माफी मांग रही हूँ, क्योंकि हमारे तेलंगाना में फेमस है पार्ट टू, समझ रहे ना, समझदार को इशारा काफी।